एक खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस गश्त लगा रही है। तो पुलिस चौकन्ने हैं, जिस प्रकार की घटना सामने आई जुमे की नमाज के बाद, जो हिंसक घटना सामने आई थी उसके बाद अब जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस गश्त कर रही है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लागू है। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट है, प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस गश्त कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे का। राघवेंद्र जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जिस प्रकार की हिंसक घटना हमने देखिए जुमे की नमाज के बाद, उसको लेकर अब जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, गश्त की जा रही है और तमाम तरह की जो है निगरानी भी रखी जा रही है। हाँ, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन अलर्ट है, और लखनऊ ही नहीं, जो भी ऐसे अन्य जिले हैं जहां संवेदनशील स्थिति हो सकती है, जहां पिछली बार उपद्रव हुआ है, और खास तौर से उन जिलों में पूरी तरह से पुलिस बल एकदम मैदान पर है और गश्त लगा रही है। वहां पर धारा 144 लागू है, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, अतिरिक्त वहां पर वाहन और बल बुलाए गए हैं। तो किसी तरह की लापरवाही तो फोर्स और पुलिस के द्वारा तो नहीं की जा रही है। और दूसरा ये है कि मौलानाओं ने भी एक निवेदन किया है नमाजियों से कि आप लोग जाइए तो नमाज करके सीधा लौट आइए, आपको वहां पर कोई ऐसी तकरीर नहीं करनी है जिससे स्थिति खराब हो जाए, आपको वहां भीड़ भी नहीं इकट्ठा करनी है, आप नमाज करके सीधा लौट आइए। तो इस तरह की अपील मौलानाओं के द्वारा भी हुई है। हालांकि लखनऊ में पूरे पुलिस बल को जो लगभग 70 ऐसी मस्जिदें हैं जो संवेदनशील हैं, उसके चारों तरफ पुलिस अलग अलग ग्रुप में बट के वहां पर गश्त लगा रही है, वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है, और 144 ऑलरेडी धारा 144 लगाई गई है लखनऊ में। तो जो पुराने दिनों में, पुराने जो पहले के जुमे की नमाज में जिस तरह की स्थिति गड़बड़ हुई, वह स्थिति दोबारा ना आ सके, ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जी बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट है, बने रहिएगा राघवेंद्र आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, निगरानी कड़ी की गई है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना फिर से ना घटे।